Assalamu alaikum, students. In the sequence of online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid qasim Musand Rizvi, your instructor of business communication. It is my lecture number five, and in this lecture, we are starting chapter number two methods of communication. This chapter is very important regarding your final term examination. At least two questions have been taken every year from this chapter. In this chapter, we will थोरोली डिस द डिफरेंस बिटवीन औरल एंड रिटन कम्युनिकेसन एलोंग विद इट्स एडवाटेजस एंड डिसएडवाटेज यानि ये जो चैप्टर नंबर टू है मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर में से दो सवाल लाजमी तौर पर शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर टू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यानी तारुफ वी यूज़ वर्ड्स फॉर कम्यूनिकेशन बाई द वे ऑफ इस्पीच और इन द शेप ऑफ़ राइटिंग यानी गुफ्तु के लिए हम जो अलफ़ाजों का इस्तेमाल करते हैं इसके बुनियादी तौर पर दो तरीक़े हैं या तो हम उन अलफ़ाज़ों को बोलते हैं या फिर लिखने की सूरत में उन अल्फाजों को कागज़ के ऊपर दर्ज करते हैं अनदर टर्मिनोलॉजी यानी दूसरे तरीक़ार और वे ऑफ एक्सप्रेशन या इजहार ख़्याल अदर देन राइटिंग और इस्पीकिंग यानी बोलने और लिखने के अलावा इज गैस्टर्स इशारे हैं स्चर्स मीनस इशारे विच कंसिस्ट ऑन आई कॉन्टेक्ट जिसमें शामिल है आई कॉन्टेक्ट सबसे पहले नंबर पर यानि आंखों के जरिए फेस इंप्रेशन चेहरे की बनावट फिजिकल अपियरेंस आपकी लिबास की शख्सियत यानी आपका लिबास आपकी ज़ाहरी हालत एंड बॉडी एक्सप्रेशंस या फिर जिस्मानी हरकत द थर्ड मोड ऑफ़ कम्यूनिकेसन यानी तीसरा तरीका जो गुफ्तू का है इज़ सरकमस्टेंशियल कम्यूनिकेसन यानी कंडीशंस को देखते हुए हालात को देखते हुए गुफ्तगु करना फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर द डेकोरेशन ऑफ अ हाउस यानी मकान का जो डेकोरेशन है इंडिकेट्स ज़ाहिर करता है डेट इट इज़ अ हाउस ऑफ रिच पर्सन कि ये मकान जो है वो किसी अमीर शख्स का है अब अगर इसको थोरोली डिस्क्राइब किया जाए यानी तफसील के साथ अगर बयान किया जाए तो पहले जो लाइन हमने मेंशन की है यानी गुफ्तगू के लिए हम या तो अल्फ़ाजों का सहारा लेते हैं जिनको हम जबान के ज़रिए अदा करते हैं या जो दूसरा तरीक़ेकार है वो लिख कर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने का है इसके अलावा जो एक और मज़ीद तरीक़ा है वे ऑफ एक्सप्रेशन यानी इजहार ख़याल के लिए अदर दैन राइटिंग और इस्पीकिंग बोलने और लिखने के अलावा इस गेस्चर्स इशारों के ज़रिए अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो है वो है आई कांटेक्ट। अगर आपको चैप्टर नंबर वन में फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने एक लाइन मेंशन की थी व्हेन अ बेबी सीज़ द फेस ऑफ हिज और हर मदर फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। यानी बच्चा जब इस दुनिया में अपनी आंखों को खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखता है उसी वक्त गुफगू का आगाज़ हो जाता है तो आई कांटेक्ट जो है ये पहली इब्तिदा है या किसी भी चीज़ की इब्तदा है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि बच्चे की जो माँ है ना वो उस बच्चे की किसी बात को समझ सकती है ना सुन सकती है ना वो बच्चा अपने हाथों के इशारों के ज़रिए या किसी और चीज़ के जरिए अपनी बात को समझाते समझा सकता है लेकिन बच्चे की जो आंखें हैं उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं उसके जरिए तमाम बातें उसकी माँ समझ भी रही होती है और उसी के मुताबिक उसकी तकलीफ़ को या उसकी तमाम चीज़ों को नोटिस कर रही होती है तो आई कांटेक्ट जो है वो फर्स्ट बेसिक है कम्युनिकेशन की देन फेस इंप्रेशन फेस इंप्रेशन से मुराद चेहरे की बनावट वैसे तो ये जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का लेक्चर है ये और अच्छे तरीके से फ़िज़िकल कंडीशन में हो सकता था ताकि क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स के ज़रिए इस बात को एक्सप्लेन किया जाता लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऑनलाइन की चल रही है तो यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा सा एलेबोरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ फेस इंप्रेशन से बुरा चेहरे की बनावट यानी बाज़ लोग अपने अल्फाजों के साथ ही साथ चेहरे भी उस तरह बना रहे होते हैं कि सामने वाला उनकी बात को आसानी के साथ समझ रहा होता है मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर हंसी मज़ाक की बात कर रहा है या अच्छे मूड में बात कर रहा है तो उसके चेहरे पर आपको खुशी मिलेगी इसी तरीके से अगर कोई अफसोस की बात वो कर रहा है तो उसका चेहरा बना हुआ होगा तो फेस इंप्रेशन जो है वो अल्फाजों को समझने में खास तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं फिजिकल अपियरेंस यानी लिबास की लिबास का जाहिर होना या किसी भी शख्स की जाहिरी हालत इसकी एग्जाम्पल मैं बेहतरीन तरीके से आपको इस तरह दे सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक अजनबी शख्स से आपकी मुलाकात होती है अभी उसने कोई भी चीज़ या कोई भी बात अपनी ज़बान से अदा नहीं की है फ़र्स्ट टाइम आपका इत्तेफाक हुआ है उससे मुलाकात करने का उसने जो लिबास पहन रखा है वो बहुत आलीशान है प्रॉपर उसका जो हुलिया है वो अच्छे तरीके से दुरुस्त तरीक़े से आपके सामने मौजूद है तो बात करने से पहले ही आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला जो शख़्स है ये एक पढ़ा लिखा और अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है और उसका लिबास जो है वो ज़ाहिर कर रहा है कि वो किसी दौलतमंद घराने से है या किसी खाते पीते घराने से वो ताल्लुक़ रखता है तो फिज़िकल अपियरेंस गुफ्तु से पहले ही आपको ज़ाहिर कर देती है कि सामने वाले शख्स से आपने किस तरह से बातचीत करनी है बॉडी एक्सप्रेशंस गेस्चर्स का लास्ट सिंबल है ये बॉडी एक्सप्रेशन से मुराद अपने अल्फाजों के साथ हाथों से मुख्तलिफ किस्म के इशारे करना या मुख्तलिफ तरीक़ों से बाज़ लोगों की आदत होती है जैसे कि वो अपनी गुफ्तू के साथ ही साथ हाथों से इशारे करते हुए चल रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आ जाओ तो वो हाथ के इशारे से बुलाते भी हैं तो सामने वाले शख्स को समझने में मदद मिलती है यहाँ से चले जाओ तो वो हाथों की मूवमेंट भी करते हैं कि यहाँ से चले जाओ ऐसे ही बाज़ लोग जो हैं वो मुझे नहीं मालूम फॉर एग्ज़ाम्पल तो दोनों कंधे अपने ऊपर कर लेते हैं पता नहीं तो ये जो बॉडी एक्सप्रेशंस हैं ये भी बात को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं द थर्ड मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन यानी तीसरा जो तरीक़ेकार है गुफ्तु का देखिए पहले तरीक़े के अंदर स्पीच और राइटिंग ये दोनों चीज़ें आ गईं इसको अच्छी तरह समझ लें सेकेंड जो मेथड है वो है गेस्चर्स का यानी इशारों के जरिए जिसमें ये चारों चीज़ें एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं यानी आई कांटेक्ट, फेस इंप्रेशन फिज़िकल अपेरेंस एंड बॉडी एक्सप्रेशन तीसरा जो तरीक़ार है वो है सरकमस्टेंशियल कम्युनिकेशन यानी हालात और वाकयात को देख कर करना फॉर एग्जाम्पल द डेकोरेशन ऑफ अ हाउस इंडिकेट्स डेट इट इज़ अ हाउस ऑफ अ रिच पर्सन यानी किसी भी मकान का जो डेकोरेशन है वो उसकी उस शख्स की जिससे आपको बातचीत करनी है उसकी अहमियत को उसकी शनाख्त को ज़ाहिर कर देता है कि इस शख़्स का ताल्लुक़ किस घराने से है या बैस का बैकग्राउंड क्या है इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल के आप को जॉब की तलाश है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल और कोई शख्स आपको कोई कार्ड दे देता है कि फला फला शख्स से जाके आप मुलाकात कर लें या किसी के मेरे रेफ़रेंस से बात कर लें तो आप उसके दिए हुए पते पर पहुँचते हैं जब आप उसके पते पर पहुँचते हैं जो एड्रेस उसने आपको दिया होता है तो अभी आपकी उस शख़्स से मुलाकात नहीं हुई है लेकिन अभी आप उस शख्स के घर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं जिस जगह पर उसका घर है उसके घर के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक, एक चौकीदार भी मौजूद है मकाल जो है वो वेल सेट है तो आपके जहन में ये ख़्याल आना शुरू हो जाता है कि जिस शख़्स से मुलाकात करनी है मुझे ये यकीनी तौर पर किसी ना किसी जगह का ओनर है या कोई अच्छे खाते पीते घराने से ये ताल्लुक़ रखता है फिर जब आप उसके घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उसके घर का जो डेकोरेशन है उस शख़्स से मुलाकात करने से पहले ही उसकी तमाम तर चीज़ों को आपके सामने बयान कर देता है आम तौर पर यही देखा जाता है कि जितनी मल्टानेशनल कंपनीज़ होती हैं ये इंटरव्यू के लिए जिन प्लेसेस का इंतखा करती हैं तो उन प्लेसेस को तौर पे वेल डेकोरेट इसीलिए ही किया जाता है ताकि इंटरव्यू के लिए जो आने वाला शख्स है वो लाजमी तौर पर मुलाकात करने से पहले ही उस जगह की डेकोरेशन वगैरह को देख कर तमाम जॉब की सिचुएशन का पहले से ही अंदाज़ा लगा ले तो ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो इंट्रोडक्शन है ये खास तौर पर समझने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की टाइप्स देयर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी आम तौर पर दो मेथड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन आवाम के दरमियान मकबूल हैं नंबर वन औरल कम्युनिकेशन, यानी ज़बानी गुफ्तु नंबर टू रिटन कम्युनिकेशन लिख कर अपनी गुफ्तगु को मुकम्मल करना औरल कम्युनिकेशन यानी जबानी गुफ्तु औरल कम्युनिकेशन इज द फास्टेस्ट एंड डायरेक्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी जबानी गुफ्तु जो है वो तेज तरीन सबसे ज्यादा तेज एंड डायरेक्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और सीधी तरीके की गुफ्तु समझी जाती है इट इज द मोस्ट सुटेबल वे यानी कि सबसे ज़्यादा सादा तरीक़ा है टू डिलीवर आवर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स अपने एहसास को और अपने मसाइल को लोगों के सामने पहुँचाने का देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उन तमाम कम्युनिकेशन के मेथड्स में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेथड है वो ओरल कम्युनिकेशन का है यानी जबानी गुफ्तु आम तौर पर जैसे ये मिसाल दी जाती है कि किसी भी शख्स को अगर आपने परखना है यानी उसको आपने आज़माना है तो आप उससे फ़ेस टू फ़ेस डिस्कशन करके देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने वाले शख्स में कितनी काबिलियत है और वो कितना तजुर्बा रखता है विदाउट यूजिंग औरल कम्युनिकेशन यानी ज़बानी गुफ्तु के बग़ैर इट इज़ ये मुश्किल है टू अंडरस्टेंड द अदर पर्सन किसी भी दूसरे शख़्स को समझने के लिए इन अ शॉर्ट टाइम कम वक्त के अंदर यानी दूसरे अल्फाजों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि औरल कम्यूनिकेसन जो है वो किसी भी शख्स को ज़ाहिर करने में या उसकी काबिलियत को जाहिर करने में एक अहम किरदार अदा करता है और कम वक्त के अंदर सामने वाले शख्स को पहचानने में इससे ज़्यादा बेहतरीन मेथड कोई और नहीं है अब इस, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ औरल कम्युनिकेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है ऑफ कैरेक्टरिस्टिकल कम्युनिकेशन या मेरिट्स ऑफ़ औरल कम्युनिकेशन या एडवांटेजेस ऑफ़ औरल कम्युनिकेशन ये तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से यानी औरल कम्युनिकेशन की खसूसियात उसके लोगों के सामने उसकी जो अहमियत है उसकी उसको बयान करना नंबर वन स्पीड यानी रफ्तार व्हेन वी स्टार्ट डिस्कशन विद समन जब भी हम गुफ्तु का आगाज़ करते हैं किसी भी शख्स के साथ देयर शुड बी नो टाइम लैग तो वक्त के अंदर जो है वो ज़्यादा रुकावट नहीं आनी चाहिए बिटवीन द स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स अल्फाजों को बोलने में इफ़ वी ब्रेक द सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स अगर हम अल्फाजों के तसलसल को तोड़ देंगे उनको ब्रेक कर देंगे द कंसनट्रेशन ऑफ द लिसनर तो सुनने वाले की जो तवज्जो है विल बिकम लॉस्ट वो लाजमी तौर पर ख़त्म हो जाएगी अब ये जो गुफ्तु के हवाले से इस्पीड का हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है यहाँ पर आपको यही चीज़ बयान कर आ, कर रहा हूँ मैं कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो गुफ्तु के दौरान अटकते हैं या हकलाते हैं तो ये जो हकलाना है ये सुनने वाले की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट कर देता है अगर कोई शख्स आपसे फ़ेस टू फ़ेस डिस्कस कर रहा है और उसकी गुफ्तु के दौरान उसके अलफ़ाज़ों में कोई रुकावट नहीं है वो अटक अटक के नहीं बोल रहा ना कुछ सोच के बात कर रहा है तो यकीनी तौर पर आपकी कंसंट्रेशन आपकी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ लगातार चलती चली जाएगी और जहाँ उसने अल्फाजों में रुकावट शुरू करी अटकना शुरू किया या सोचना शुरू किया तो सुनने वाला शख्स जो है उसकी तवज्जो लाजमी तौर पर डाइवर्ट होगी पॉइंट नंबर टू फीडबैक फीडबैक मीन्स रिप्लाई जवाब देना वेन वी डिलीवर अ लेक्चर जब हम किसी लेक्चर को डिलीवर करते हैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के सामने और वी स्पीक या हम गुफ्तु करते हैं डायरेक्टली विद समन किसी भी शख्स के साथ बराह रास्त यानी फेस टू फेस वी कैन रिस्पोंड द क्वेश्चन हम सवालों के जवाब दे सकते हैं एज सून एज इट अराइज जैसे ही सवाल आपके सामने आते हैं स्पॉन्टेनियस रिप्लाई कंटिन्यू द डिस्कशन स्पॉन्टेनियस लगातार मुसलसल रिप्लाई जवाब देना कंटिन्यू द डिस्कशन गुफ्तु को जारी रखता है अब ये जो पॉइंट है ये स्पीड से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है यानी फॉर एग्जाम्पल लेटस कंसिडर डेट आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्लास रूम मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने क्लास रूम के अंदर जैसे जैसे मैं अपना लेक्चर आपके सामने डिलीवर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो उसके समझने के लिए मुझे उस बात का हंड्रेड परसेंट यकीन होने के लिए आपसे कुछ ना कुछ सवाल करके अंदाज़ा लगाना होगा कि जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं या उसमें डिफ़िकल्टी है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने लेक्चर को आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है और आप मुझसे वो सवाल करते हैं तो फौरी तौर पर मुझे उसका जवाब देना चाहिए अगर मैं उसका जवाब आपको फ़ौरी तौर पर देने में कामयाब हो जाता हूँ इट मीन्स कि जो भी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है और मेरे जवाब देने से आपके ऊपर ये असर पड़ेगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन है जो तवज्जो है वो मेरे ऊपर से डायवर्ट नहीं होगी स्पॉन्टेनियस रिप्लाई कंटिन्यूज द डिस्कशन मुतवातर जवाब देना या लगातार जवाब देना गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है यानी गुफ्तगू को कंटिन्यू करता है ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल भी दी जाती है क्लास के दौरान कि बाज़ अवत यह होता है कि लेक्चर देने वाला जो शख्स होता है वो अपना लेक्चर तो डिलीवर कर रहा होता है लेकिन क्लास के बाहर शोर हो रहा होता है या कोई ऐसी आवाज़ बच्चों के दरमियान आ रही होती है जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही होती है तो आम तौर पर यह भी देखा जाता है कि ऐसी सूरत के अंदर भी जो है वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट होने का खतरा है तो थर्ड पर्सन वाइज जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो ड्यूरिंग द लेक्चर कहीं और से ना आ रही हो ताकि लेक्चर की कंटिन्यूशन में किसी किस्म का बीच में कोई रुकावट पैदा ना हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास सप्लीमेंटेड बाय नॉन वर्बल क्ल्यूज सप्लीमेंट का मतलब होता है इजाफी एडिशनल यानी गुफ्तु के दौरान मुख्तल किस्म के इशारों के जरिए अपनी बात को सामने वाले को समझाना नॉन वर्बल क्ल्यूस वर्बल का मतलब जबानी तौर पर नॉन वर्बल का मतलब इशारों के जरिए क्लूस का मतलब इशारे अ पर्सन रिसीविंग ओरल कम्यूनिकेशन कैन कंबाइन इट विद एक्सप्रेशन एंड सम्रिटेशन बाई द स्पीकर सो द मैसेज कैन बी बेटर अंडरस्टूड यानी कोई भी शख्स जो कि ओरल कम्युनिकेशन आपके सामने कर रहा है बाज़ वो अपनी बात को समझाने के लिए दूसरों की मिसाल को सामने रखकर बात करता है ताकि बात को बेहतर तरीके से समझाया जा सके जैसे बाज़ लोग अपनी गुफ्तू के दौरान मुख्तलिफ़ लोगों की कोटेशन्स का सहारा लेते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप आगे जाके नाकाम हो जाएंगे तो इस मामले के अंदर दरमियान में कोई ना कोई वो हदीस कोट करते हैं या किसी और किसी मशहूर शख्स की ए, कोई कोटेशन जो है वो अपनी बात को समझाने के लिए दरमियान में लेकर आते हैं ताकि सामने वाले शख्स की बात समझ में आने में आसानी हो सो द मैसेज कैन बी बेटर अंडरस्टूड इस तरीके से मैसेज जो है वो बेहतर तौर पर सामने वाले की समझ में आ सकता है पॉइंट नंबर फोर कॉन्फ़िडेंशलिटी यानी कि जो ज़बानी गुफ्तु की जाती है वो कॉन्फ़िडेंशल रखी जा सकती है उसको आप खुफिया तौर पर या राज में, राज में में भी रख सकते हैं सिंस औरल कम्युनिकेशन डज़ नॉट क्रिएट एनी रिकॉर्ड्स यानी कि जैसा कि औरल कम्युनिकेशन ज़बानी गुफ्तु अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखती यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई भी बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो उस बात के दौरान मैं किसी भी चीज़ को बोर्ड पे मेंशन नहीं करता नहीं लिखता हूँ तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपके पास क्योंकि अल्फाज़ों का रिकॉर्ड ऑन द पेपर मौजूद नहीं है तो मैं अपनी बात से डिनाई कर सकता हूँ मैं अपनी बात से पीछे हट सकता हूँ कैन बी सीन बाय द पर्सन फॉर होम दे आर नॉट इंटेंटेड इट हेल्प्स टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशलिटी ऑफ द मैटर तो किसी भी शख्स को किसी भी शख्स की बात को कॉन्फिडेंशल रखने में औरल कम्युनिकेशन अहम किरदार अदा करती है क्योंकि वो अपने अलफ़ों की ज़िम्मेदारी को ख़त्म कर सकता है क्योंकि जो अलफ़ा ज़बानी तौर पर अदा किए जा सकते हैं हो सकता है कि उस बात को वो भूल जाए उस बात को वो जहन में ना रखे या हो सकता है गलत सुनने की वजह से उसकी समझ में कुछ और आया हो तो क्योंकि रिटिन कम्युनिकेशन के अंदर आप किसी बात को समझने के लिए उस चीज़ को दोबारा पढ़ सकते हैं लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कोई भी शख्स जो कि आपके सामने बात कर रहा है वो अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद अपनी बात से पीछे हट सकता है कि मैंने तो ये बात नहीं कही थी तो ये चीज़ जो है वो ओरल कम्युनिकेशन की खसूसियत में शामिल है ये चारों कैरेक्टेरिस्टिक्स मुकम्मल होने के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है रिटन कम्युनिकेशन यानी लिख कर गुफ्तु को मुकम्मल करना और रिटिन कम्युनिकेशन मीन्स यानी लिख कर गुफ्तु करने का मतलब सेंडिंग ऑफ मैसेजेस मैसेज़ को भेजना ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस चाहे वो हुक्मनामे की सूरत में हो या हिदायत की सूरत में हो लेकिन लेटर्स के अंदर राइटिंग फॉर्म में हो यानी लिख कर गुफ्तु का मतलब ये कि किसी भी मैसेज को किसी भी हिदायत को किसी भी हुक्म को लेटर के थ्रू ट्रांसफर कर देना सर्कुलर्स पम्फ्लेट्स के थ्रू मैनुअल रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स बनाकर टेलीग्राम्स यानी फैक्स वगैरह के जरिए ऑफिस मेमोज़ बुलेटिन एट्सट्रा यानी ऑफिस की तरफ से जो मेमोज दिए जाते हैं या बुलेटिनस वगैरह जो स्लाइड्स की सूरत में दिए जाते हैं इन कंडीशंस के अंदर रिटन कम्युनिकेशन को सामने वाले तक भेजना देखें ये जो रिटन कम्युनिकेशन की जो तमाम चीज़ें आपके सामने बयान की जा रही हैं ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स मैनुअल्स रिपोर्ट्स टेलीग्राम्स ऑफिस मेमोस वगैरह ये तमाम चीज़ों को बयान करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये कि ये चीज़ आपके पास ऑन द रिकॉर्ड आ जाए अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती तो आप दस मरतबा इसको दोबारा निकाल कर समझ सकते हैं इट इज़ अ फॉर्मल मैथड ऑफ कम्युनिकेशन यानी गफ्तुगु का ये एक सबसे ज़्यादा मौसर तरीक़ार समझा जाता है एंड इज़ लेस फ्लेक्सीबल और इसमें ज़्यादा लचक नहीं होती है यानी बात जो है वो डायरेक्टली ऑन द रिकॉर्ड मुख्तर अल्फाजों में की जाती है इन रिटन कम्युनिकेशन यानी लिख कर करने में द रीडर इज़ अनेबल टू सी द फेस एक्सप्रेशन एंड अदर नॉन वर्बल क्ल्यूज़ यानी रिटन कम्युनिकेशन का जो एक नुकसान है वो ये कि जो बोलने वाला शख्स है ना ही आप उसके फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर सकते हैं और ना ही उसके किसी भी किस्म के इशारे को आप समझ सकते हैं तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन का टॉपिक है इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट of written communication along with the advantages as well as the disadvantages of written communication and in the next class uh, inshallah i will also describe the difference between the oral communication and written communication uh, which is also very important according to your examination point of view uh, so, students, uh, that's all for today. Thanks a lot. Take care.